अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जेल हुक्काम, हथकड़ियां लगाकर डायरेक्टर सरगोधा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अक्रम को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर आए। प्रोफेसर अक्रम को आरजाए कल्ब में मुब्तला होने के बावजूद हथकड़ियां लगाई गईं। पेट्रोल लेना है तो हेलमेट पहनकर आओ, हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। बिना हेलमेट ईंधन देने वाला पंप सील कर दिया जाएगा, जस्टिस अली अकबर कुरैशी। हेलमेट पहनो, पेट्रोल लो, पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी नोटिस लगा दिए। नॉन स्टॉप महंगाई, नान रोटी भी महंगी। नए पाकिस्तान में नान रोटी के लाले पड़ गए, कहीं गैस प्रेशर, कहीं एलपीजी और लकड़ी महंगी होने का रोना। तनूर माफिया भी खुद सर हो गए, रोटी 2 रुपए महंगी कर दी, 10 रुपए वाला नान अब 12 रुपए में मिलेगा। घरों से गैस गायब, बाहर से रोटी महंगी, आवाम दोहरी अजियत का शिकार। नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिलबिला उठे, महंगाई की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, शहरियों की दुहाई। घरों में गैस नहीं आती, तनूरों पर चले जाएं तो नान बायों ने नान महंगे कर दिए, कहां से रोटी पकाएं, क्या खाएं, शहरियों के हजार शिकवे। आज तो गैस नहीं जी आती, फिर तंदूर ने महंगी लकड़ खरीदनी है ते नान तो अपने आप इन्होंने महंगा करना है। ठीक है, जो असं अगे 10 रुपए लेंदे हूँ असं 15 रुपए लैन लग पे नान। इस वक्त 12 रुपए का और रोटी 10 रुपए की हो चुकी है। घरों में गैस नहीं आ रही, बाहर से गैस लेने जाएं तो 180 रुपये 200 रुपये गैस मिल रही है। यहाँ तो हम अपने बच्चे चौकों में ला के उनको भी आग लगा देते हैं, अपने आप को भी आग लगा लेते हैं। हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, गवर्नमेंट ने हमारे पर एक और धमाका दे दिया है, नान 12 रुपए का कर दिया। इन्होंने बड़े दावे किए थे कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आई कहाँ पे, तब्दीली ये आई है गैस बिजली और पानी को महंगा कर रहे हैं ये। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, वजीर आला से कि इस बात का नोटिस लें। अवामी रिक्शा यूनियन एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का एलपीजी माफिया और जलई इंतजामिया के गठजोड़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में रक्षा ड्राइवर्स, खातीन और बच्चों की भी शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, इंतजामिया ने यकीन दहानी के बावजूद एलपीजी की कीमतें कम नहीं की। मजीद गौरी की गुफ्तगू। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा, शिमला पहाड़ी के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। यह है नया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंतहाई खुश। वज़ीर-ए-आला पंजाब की देहाती साहिलीन से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर की अहमियत 1000 अल्फाज से ज्यादा है, इमरान खान का ट्वीट। क्या नए पाकिस्तान में यही मेरिट है, आपने ऐसे मुल्क चलाना है। डॉक्टर वसीम को निस्तर अस्पताल इसलिए लगाया कि वो वजीर आला बुजदार का सिफारिशी है। निस्तर अस्पताल मुल्तान तकरूरी केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी सेहत पर बरस पड़े। हम डॉक्टर वसीम की तकरूरी का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। सेक्रेटरी सेहत अब आप रहने दें, कल VC निस्तर को पेश करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार, किसका किससे क्या ताल्लुक है सब मालूम है, अब सियासी दबाव से निकल आए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बाऊजी को जेल में कुलसूम नवाज की याद सताने लगी। आज वालिद नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल गई थी। वालिद से पूछा कि घर से कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कुलसूम की तस्वीर ला दें, मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान मस्नूई वजीर आजम हैं, ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, एहसन इकबाल का जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले नून लीग में कयादत का कोई फुकदान नहीं, सीपैक कबानी और दहशतगर्दी खत्म करने वाला जेल में है, मुल्क का मजाक बनाने वाला वजीर आजम है। साबिक वफाकी वजीर राणा तनवीर का कहना है कि हम अदालती जंग लड़ेंगे, PTI वाले NRO के मामले पर शोबदाबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील। रॉयल पाम गोल्फ कंट्री क्लब को अदालती तहवील में ले लिया गया, लीज होल्डर्स का क्लब में दाखिला भी बंद। रेलवे की राजी 3 साल से ज्यादा लीज पर देने पर पाबंदी आयद,
रॉयल पाम क्लब की मैनेजमेंट फर्गोसन कंपनी के सपुत्र रमजान शेख और मैनेजमेंट को रॉयल पाम क्लब का कब्जा फर्गोसन कंपनी के हवाले करने का हुक्म। रॉयल पाम वाले बासर हैं, आधा मुल्क इनकी बात मानता है। रेलवे की अराजी रेलवे के पास ही रहेगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रॉयल पाम पर तारीखी फैसला किया। मेरा दिल चाहता है कि पीएसी की सरबराही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊं, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन पर फिर वार, बोले चोर इकट्ठे हो रहे हैं, चौकीदार का किरदार अहम है। आसिफ जरदारी पहले ही कहते हैं कि जेल इनका ससुराल है। आसिफ जरदारी साहब ने मेहंदी लगा ली, झूमर पहन लिया, जेल जाने को तैयार है। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली का मिशन, चीफ जस्टिस ने फंडरेजिंग मुहिम का आगाज कर दिया। अस्पताल की बहाली के लिए 1,00,000 रुपए इमदाद का ऐलान। अस्पताल की बहाली के लिए 7 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी बनाने और अस्पताल का गुज़िश्ता 10 साल का ऑडिट कराने का भी हुक्म। क्रिश्चियन कम्युनिटी के डॉक्टर पीटर जे डेविड का 1 करोड़ रुपए का दिया। चीफ जस्टिस की क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से इमदाद की अपील। शाह आलम मार्केट में तजावजात का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। जिले इंतजामिया और ताजिर आमने सामने, पंजाब हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। 1 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। तस्वीरें बोलती हैं रंगों की जुबा। अल्हम्रा में गुलबर्ग कॉलेज के शोभा फाइन आर्ट्स का डिग्री शो, ऑयल और वाइटर पेंट से कैनवस पर इंसानी रवैयों की शानदार अक्कासी। देखने वालों ने तुलबा की महारत को खूब सराहा। और सर्द शाम में म्यूजिक का तड़का, गुलबर्ग में सजी रंगारंग महफिल मौसीकी। गुलकारों ने अपनी आवाज के जादू से शुरका पर सहरतारी कर दिया।